the youtube channel of swastika academy this is manvi jain and in this series of environment and ecology today we will discuss about do bod and cod what are all three terms and how can we explain with differentiating all the three sabse i'm discuss dissolved oxygen so what is dissolved oxygen जिस तरह से ह्यूमन बींग्स या लैंड पर रहने वाले ऑर्गेनिजम्स एटमोसफियर से ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं इन दियर रेस्पिरेशन प्रोसेस उसी तरह से जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन को लेते हैं यानी कि उन्हें जो ऑक्सीजन मिलती है अपनी रेस्पिरेशन प्रोसेस में वो डिजोल्व फॉर्म में होती है जो कि वाटर में डिजोल्व रहती है डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से वो गैसेस फॉर्म में उसे नहीं इन्हेल कर सकते हैं तो ये होती है डिसॉल्वड ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन का वाटर में डिसॉल्वड फॉर्म नॉट इन द गैसेस फॉर्म फिर आप देखेंगे कि डिसॉल्वड ऑक्सीजन जो होती है उसका क्या रोल होता है एक्वेटिक लाइफ में इकोसिस्टम को हेल्दी रखने में किस तरह से डिसॉल्वड ऑक्सीजन के कम होने से या ज्यादा होने से एनवायरमेंट पे या एक्वेटिक इकोसिस्टम पे इम्पैक्ट पड़ता है इस इमेज में आप देख रहे हैं देखिए इस इमेज में क्लियरली समझ आ रहा है कि जो भी वाटर बॉडी है अगर उसके पास से हाउसहोल्ड होल्ड वेस्ट या इंडस्ट्रियल वेस्ट रिलीज हो रहा है रिलीज होगा तो उन वेस्ट में क्या होता है न्यूट्रिएंट्स होते हैं अब उन न्यूट्रिएंट्स को अगर वाटर बॉडी में रिलीज किया जा रहा है तो वाटर बॉडी में नीचे जो सेडिमेंट्स हैं जो सॉयल है उसमें से कुछ ऐसे फीडिंग एलगी रिलीज होंगे जो कि न्यूट्रिएंट्स को फीड करने के लिए ऊपर आएंगे अब अगर ऐसे ऑर्गेनिज़म्स, ऐसे एलगी यहाँ पर रिलीज होंगे जो कि न्यूट्रियट्स को फीड करने के लिए आ रहे हैं तो वो इन न्यूट्रीनस को डिकम्पोज करने के लिए ऑक्सीजन लेंगे उनकी ऑक्सीजन की अपनी डिमांड होगी अगर वो सारी की सारी और ऑक्सीजन जो है वाटर से ले लेंगे डिजोल्व ऑक्सीजन को ले लेंगे जो कि एक तरह से अनहेल्दी इन्वायमेंट क्रिएट कर रहे हैं ऐसे न्यूट्रिएंट्स को ऑक्सीडाइज करने के लिए अगर ये न्यूट्रिएंट्स काफी सारी ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेंगे तो वाटर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसका लेवल धीरे धीरे करके कम हो जाएगा और जो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स है उनके लिए ऑक्सीजन कम बचेगा समझ में आया यहाँ पे देखिए यहां से न्यूट्रिएंट्स रिलीज हुए ने, दूसरे काफी सारे ऐसे एलगी प्रोड्यूस हो गए हैं जो कि इन सेडिमेंट्स को इन न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम करने के लिए आ रहे हैं तो एक्वेटिक लाइफ क्या होगी स्ट्रेस हो जाएगी ऑक्सीजन उन्हें नहीं मिल पाएगी एंड दे आर स्टार्टिंग टू ओके फिर यहाँ पे क्या होगा सेडिमेंट्स रिलीज हाइड्रोजन सल्फाइड गैस विच स्मेल्स लाइक रोटेन एक्स ये जो सेडिमेंट्स हैं ये जो न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम करने के लिए आए हैं ये क्या करेंगे हाइड्रोजन सल्फाइड को रिलीज करेंगे अब हाइड्रोजन सल्फाइड रिलीज होगी ये एक हार्मफुल गैस है जिसमें से एक फाउल स्मेल क्रिएट होती है जस्ट लाइक रोटेन एक्स जिसकी वजह से पूरा का पूरा जो वाटर है वो पॉल्यूट हो जाएगा तो ये हमारा हुआ डिजोल्व ऑक्सीजन में कमी कैसे आती है पॉल्यूशन की वजह से फिर आप यहाँ पे देखेंगे अगर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए हम किसी वाटर बॉडी में ऑक्सीजन को बाहर से ऐड करते हैं तो वो किस तरह से होती है अगर यहाँ पे हमने लिक्विड ऑक्सीजन को वाटर बॉडी में आर्टिफिशियल तरीके से ऐड कर दिया तो लो ऑक्सीजन रिवर वाटर इज मिक्सड विथ ऑक्सीजन एंड रिटर्न टू द रिवर तो यहाँ पे क्या होगा ये देखिए जो भी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए ऑक्सीजन मिलने लगेगी ऑक्सीजन मिलने लगेगी तो क्या होगा यहाँ पे नाइट्रोजन नेचुरल रिलीज ऑफ नाइट्रोजन टू द एटमॉस्फेयर इंक्रीज यानी नाइट्रोजन का लेवल जो है वो एटमॉस्फेयर में बढ़ने लगेगा फिर यहाँ पे जो लो ऑक्सीजन थी न्यूट्रिएंट्स जो ऑक्सीजन को ले रहे थे वो क्या होंगे न्यूट्रिएंट्स आर लॉक्ड अवे इन सेडिमेंट वेयर दे डू नॉट फीड एल्गी तो ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो कि सेडिमेंट से जनरेट हो रहे थे इन न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम करने के लिए वो भी धीरे धीरे कम हो जाएंगे यानी आर्टिफिशियल तरीके से हमने ऑक्सीजन को यहां पे ऐड कर दिया ताकि जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसका लेवल कम ना हो सके फिर हम यहाँ पे देखते हैं प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक वेस्ट इन वॉटर डिक्रीज़ द डिजोल्व ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ द वॉटर यही चीज अभी हमने पढ़ी जो भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वेस्ट वाटर बॉडी में जा रहा है चाहे वो हाउस होल्ड से हो इंडस्ट्रियल हो या जो भी हो उसकी वजह से ऑक्सीजन की डिमांड जो है वो बढ़ जाती है क्योंकि उसे कन्वर्ट करना होता है उसे कॉम्प्लेक्स सिंपलर कंपाउंड में कन्वर्ट करना होता है तो जिसकी वजह से फ्रेश वाटर जो एनिमल्स हैं ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो इस तरह से जो सिचुएशन जनरेट होती है उसे हम बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है अमाउंट ऑफ डिजॉर्ड ऑक्सीजन नीडेड बाय एरोबिक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स टू ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट इन अ गिवन वाटर सैंपल एट सर्टेन टेंपरेचर ओवर अफिक टाइम पीरियड इसका मतलब है जो एरोबिक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स सेडिमेंट से रिलीज हुए क्यों क्योंकि जो हमने इंडस्ट्रियल वेस्ट को वाटर बॉडी में डिस्चार्ज किया था उसकी वजह से काफी सारे ऐसे एरोबिक ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस हो जाएंगे जनरेट हो जाएंगे सेडिमेंट्स में से जो इन पर फीड करने के लिए आएंगे अब अगर वो इन पर फीड करने के लिए आएंगे तो उन्हें इन्हें ब्रेक डाउन करने के लिए इन्हें डिकम्पोज करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी क्योंकि वो एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं तो वो सारी की सारी ऑक्सीजन जो कि वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन के फॉर्म में प्रेजेंट है वो इन्हीं के द्वारा कंज्यूम कर ली जाएगी अगर ये सारे डिजोल्व ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेंगे तो यहाँ पे जो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स है उनके लिए ऑक्सीजन का सप्लाई कम हो जाएगा और एक कंडीशन क्रिएट हो जाएगी जिसे हम बोलते हैं हाइपोक्सिया हाइपोक्सिया का मतलब होता है डिवॉइड ऑफ ऑक्सीजन यानी कि देर इज अ लैक ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन इन दैट वॉटर बॉडी ओके okay, तो यहां पे जो या अदर है, वो धीरे-धीरे होने लगेंगे। यहाँ एक और चीज फिर देखी जाएगी जो कि हमने कल के यानी कि पिछले लेक्चर में पढ़ा था यूट्रोफिकेशन या एल्गल ब्लूम्स या वाटर ब्लूम्स क्या होता है काफी सारे एल्गल ब्लूम्स जो है वाटर बॉडी के ऊपर एक लेयर बना लेंगे ग्रीन कलर की रेड कलर की जिन्हें हम बोलते हैं एलगल ब्लूम्स या वॉटर ब्लूम्स जिनकी वजह से जो ऑक्सीजन का सप्लाई एटमॉस्फेयर से आ रहा था वाटर बॉडी में वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगा ये एल्गल ब्लूम्स कहाँ से आए यही सेडिमेंट्स में से जो रिलीज हुए एरोबिक ऑर्गेनिजम्स वही एल्गल ब्लूम्स बन के ऊपर की लेयर बना लेंगे जिसकी वजह से एटमोस्फेयरिक ऑक्सीजन भी वाटर में आना कम हो जाएगी यानी यहाँ पे यूट्रिफिकेशन की कंडीशन भी बढ़ जाएगी तो ये हुआ हमारा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड आई होप आप सभी को डायग्राम के थ्रू समझ में आ रहा हो किस तरह से ये फीडिंग के लिए यानी कि जो भी हमने डिस्चार्ज किया वेस्ट मटेरियल पॉल्यूशन उस पर फीडिंग करने के लिए जो एरोबिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं उन्हें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है डिकम्पोजिशन के लिए और वो सारी की सारी ऑक्सीजन कंज्यूम कर, कर लेते हैं जो कि वाटर में प्रेजेंट है जिसकी वजह से हाइपोक्सिया की कंडीशन जनरेट हो जाती है तो ये पूरा हुआ बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड अब यहां पे हम क्या समझ सकते हैं कि जैसे जैसे बीओडी बढ़ रहा है यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ रही है वैसे वैसे डिजोल्व ऑक्सीजन जो है वो कम हो रही है ठीक आप ग्राफ के थ्रू समझ सकते हैं ये देखिए यहां पे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो वो इनवर्सली प्रपोजल है डिजोल्व ऑक्सीजन के क्योंकि बीओडी यानी बीओडी किसके द्वारा कंज्यूम की जाती है के द्वारा तो अगर वो बढ़ रही है उनकी ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ रही है तो वाटर में जो ऑक्सीजन है वो अपने बढ़ रहा है इससे ये प्रूफ हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि अगर 1500 हंड्रेड एम जी मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा बीओडी है या 1500 हंड्रेड मिलीग्राम पर लीटर तक बीओी है तो हम उसे और वाटर या फ्रेश वाटर कह सकते हैं यानी इट्स अ पॉल्यूशन फ्री वाटर लेकिन अगर 1500 mg पर लीटर से 4000 mg पर लीटर तक BOD की वैल्यू है तो उसे हम पॉल्यूटेड वाटर की कैटेगरी में रखेंगे यानी यहां पे हमें समझ में आ जाएगा कि वाटर में पॉल्यूशन जो है वो बढ़ रहा है क्योंकि BOD अगर बढ़ रही है तो डिसॉल्वड ऑक्सीजन अपने आप ही कम हो रही है फिर अगर 4000 मिलीग्राम पर लीटर तक बीओडी पहुंच जाता है या उससे ऊपर पहुंच जाता है तो हम उसे बोलेंगे हाईली पॉल्यूटेड वॉटर ग्राफ में आप देखेंगे जब भी कोई रिवर स्टार्ट होती जहां से उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है यानी कि उसके शोर पे काफी सारा वेस्ट मटेरियल जनरेट होता है आप कहीं पे भी देख लीजिए यहाँ पे अगर हम गंगा घाट की बात करें तो जहां पे घाट है यानी जो कि लैंड के पास वाला एरिया वहां सबसे ज्यादा डिस्चार्ज किया जाएगा तो वहां पे अगर डिस्चार्ज ज्यादा है तो वहां सेडिमेंट से एरोबिक ऑर्गेनिजम्स भी ज्यादा होंगे जो कि उसे फीड करने के लिए आएंगे तो ऐसी जगह पे बीओडी बहुत ज्यादा होगा और डिजोल्व ऑक्सीजन की वैल्यू बहुत कम होगी ये देखिए ये बीओडी की लाइन है ऐसी जगह पे बीओडी ज्यादा होगा डिजोल्ड ऑक्सीजन कम होगा लेकिन जैसे जैसे रिवर का फ्लो आगे बढ़ता जाएगा जहां पे डिस्चार्ज कम हो रहा है या जहां पे ना इंडस्ट्री है ना कोई मंदिर है ना कोई हैबिटेट है तो वहां पे डिस्चार्ज कम होगा तो अपने आप ही बीओडी की वैल्यू कम होती जाएगी और डिजॉल्व ऑक्सीजन की वैल्यू बढ़ती जाएगी यानी कि आगे चल के वो वॉटर फ्रेश होता जाएगा सिंपल से एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि आप नर्मदा के किसी शोर पे क्या गंगा घाट की बात कर रहे हैं बनारस की बात कर रहे हैं लखनऊ की बात कर रहे हैं जहां पे सिटीज हैं उसके किनारे पे वहां पे बीओडी बहुत ज्यादा होगा यानी डिजोल्ड ऑक्सीजन कम होगा जैसे जैसे वो बाहर अपना फ्लो कंटिन्यू कर रही है किसी ऐसी जगह पे पहुंच रही है जो कि माउंटेन से सराउंडिंग है जहां पे हैबिटेट नहीं है पॉपुलेशन नहीं है एग्रीकल्चर भी नहीं है तो वहां पे अपने आप ही उसका वाटर जो है वो फ्रेश रहेगा डिजोल्ड ऑक्सीजन की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी तो ये आपको सिंपल लैंग्वेज में समझना है कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड और डिजॉल्व ऑक्सीजन में कैसा रिलेशन है तो दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर फिर आप देखेंगे केमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है देखिए बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है लेकिन केमिकल ऑक्सीजन डिमांड की जो प्रोसेस है वाटर की पॉल्यूशन को पता लगाने की वो थोड़ी सी ज्यादा बेटर हो जाती है कैसे केमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज अटली बेटर मोड यूज टू मेजर पॉल्यूशन लोड इन वॉटर सीओडी मेजर द ऑक्सीजन रिक्वायर टू डिकम्पोज ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कॉन्सीटेंट प्रेजेंट इन द वेस्ट वॉटर बाय केमिकल रिएक्शन वहां पर हमने कैसे पता किया था बायोकेमिकल यानी जो एरोबिक ऑर्गेनिजम्स कंजम्पशन कर रहे थे ऑक्सीजन का उसके थ्रू पता किया था और यहाँ केमिकल ऑक्सीजन डिमांड में केमिकल्स का यूज किया जाएगा यानी केमिकल रिएक्शन की प्रोसेस के थ्रू पॉल्यूशन का पता लगाया जा सकता है कि कितनी ऑक्सीजन जो है वो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स में यूज हो रही है यानी डिकम्पोजिशन के प्रोसेस में यूज हो रही है सो so, आज हमने यहाँ पे देखा डिजोल्व ऑक्सीजन बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड ये जो एयर पॉल्यूशन वाला पार्ट है ये इसका पार्ट नहीं है आपको यहीं तक समझना है आज के लेक्चर में सो दिस इज ऑल वॉट वी डिस्कस टूडे एंड बी इन टच विथ अस नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए थैंक यू सो मच